हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस पर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग देखते हैं। तो एसएससी ने अभी कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल का जो 10+2 एग्जामिनेशन 2016 का वैकेंसी निकाला है और इसका जो है कंप्यूटर डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जामिनेशन होगा टायर वन। और ये टायर वन जो है 7 जनवरी 2017 से लेकर 5 फरवरी 2017 तक ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और अभी जो है ये फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल है, एसएससी के वेबसाइट पर, वो 8 अक्टूबर 2016 से अवेलेबल है। और इसको आप जो है यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में जब उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था तो उसने 7 नवंबर 2016 तक फॉर्म भरने का डेट रखा था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर जो है 11 नवंबर 2016 कर दिया गया है। 7 से बढ़ा के 11 नवंबर 2016 कर दिया गया है। तो इसका ये डेट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बेस्ड एग्जाम टायर वन का 7 जनवरी 2017 टू 5 फरवरी 2017। और टायर वन क्वालिफाई करने के बाद जो है टायर टू एग्जामिनेशन होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा पेपर। ये पेन और पेपर से होगा, पेन और पेपर में, जिसमें कि ऐसे राइटिंग ये सब पूछा जाएगा। अभी हम ये सारा चीज़ देखेंगे इसमें। तो इसका जो डेट है 9 अप्रैल 2017 को है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके इसका पूरा वैकेंसी का डिटेल। इसमें जो है जो पोस्ट है वो है पोस्टल असिस्टेंट का या सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क और कोर्ट क्लर्क का, जो कि एग्जाम का बताए टायर वन जो है 7 जनवरी 2017 से 5 फरवरी 2017 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसका जो पे है सारे पोस्ट का, जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट है, पे वेंड वन का 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे 2400 रिवाइज्ड है। और डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी उतना ही है सेम, 5200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे 2400। और डाटा एंट्री ऑपरेटर पेवेंट वन का 5200 से लेके 20,200 और 1900 का ग्रेड पे है इसका। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क है एलडीसी का, वो 5200 से 20,200 और 1900 का ये है। कोर्ट क्लर्क का पेमेंट वन का 5200 से लेके 20,200 और 1900 ग्रेड पे है। इसका वैकेंसी जो है, जो इसमें जो वैकेंसी है टेंटेटिव वैकेंसी है, जो असिस्टेंट और सॉर्टिंग पोस्टल असिस्टेंट जो है और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है, इसके लिए जो वैकेंसी है ये 3,281 है। एलडीसी के लिए 1,321 है, डीईओ के लिए 506 है और कोर्ट क्लर्क के लिए 26 वैकेंसी है। इसमें जो रिजर्वेशन है एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अवेलेबल है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार से। और जो परमिसेबल डिसेबिलिटी है फिजिकल हैंडीकैप्ड में, वो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट में ये वन लेग अफेक्टेड वन आर्म अफेक्टेड ये सब है, ब्लाइंड लो विजन। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी ओए ओएल ओएल बीएल एचएच एलवी ये सब अलाउड है। फिर एलडीसी के लिए ओए बीएल ओएल ये सब अलाउड है। फिर कोर्ट कलर के लिए वन आर्म अफेक्टेड बोथ लेग अफेक्टेड वन लेग अफेक्टेड ये सबको अलाउ किया गया है। नेशनलिटी जो होना चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान है, तिब्बतन रिफ्यूजी है 1962 का, और इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा श्रीलंका ईस्ट अफ्रीका ये सब है नेशनलिटी में। फिर जो इसका एज लिमिट है, वो एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2017 से काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2017 से आपका एज काउंट किया जाएगा और जो एज होना चाहिए 1 जनवरी 2017 तक में 18 से 27 साल के बीच में रहना चाहिए, 18 to 27 ईयर। और इसमें जो है डिफरेंट कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन है, एस सी एस टी के लिए कोड वन है 5 ईयर्स का,
ओबीसी के लिए कोड 2 है 3 इयर्स का, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 इयर्स का कोड 3 है, पीएच ओबीसी के लिए 13 ईयर का कोड 4 है। ये कोड आपको लिखना है, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो फॉर्म भरने वक्त आपको ये कोड नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से करके ये एज का रिलैक्सेशन है। और फिर हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट सब पार्ट को हम लोग इसमें देखेंगे। और जो एक सर्विस मैन है उसके लिए जो आर्मी में है, नेवी में, एयरफोर्स में, इंडियन यूनियन का, वो सबको मतलब एक सर्विस मैन में रखा गया है इसके अंदर। और फिर ये प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट में, द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट पे अवेलेबल है, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, जो भी क्लेम करना चाहते हैं वेबसाइट पे अवेलेबल है वो सारा सर्टिफिकेट उस पर आप बना सकते हैं। और वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका कम रहेगा, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट बनना चाहिए आपका एससी एसटी ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन का, वो एसडीओ रैंक का होना चाहिए, रीजनल रैंक, रीजनल सब रीजनल ऑफिस रैंक का होना चाहिए। तो एसडीओ डीएम रैंक का लोग बना सकते हैं। और 40% से डिसेबिलिटी को ही, 40% या मोर को मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी होना चाहिए, तभी आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल है। और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसने बनाया उसको 20 मिनट्स मोर एक्स्ट्रा टाइम रिटन एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, 20 मिनट्स पर आवर, मतलब एक घंटे का अगर एग्जाम होता है नॉर्मल बच्चों के लिए तो इनको 20 मिनट ज़्यादा मिलेगा पर आवर में रिटन एग्जामिनेशन में। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये 12th स्टैंडर्ड का है, कम से कम 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन पास हो या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास हो, 1 जनवरी 2017 तक से मतलब ये एजुकेशन काउंट किया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और ये जो है डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा अवार्डेड थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन बाय यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव 1956, ये सारे लोग जो है एलिजिबल है इसके लिए फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे, आप जो है ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा, ओनली ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई किया जा सकेगा। और ये आप जो है इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं ssconline.nic.in पे। और जो ये 100 रुपये आपको इसके लिए फी लगेगा, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उसके लिए 100 रुपये है, और अदर के लिए मतलब जो अदर है वो उसके लिए जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन जो है उसको फी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है पेमेंट ऑफिस से। और SBI नेट बैंकिंग, SBI चलान, नेट बैंकिंग, एनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप इसका फी जो है 100 रुपया पेमेंट कर सकते हैं। और ये SC ST के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए और डिसेबिलिटी के लिए, ये सब के लिए एग्जेम्प्टेड है फी, इसको फी नहीं लगेगा। आगे हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये है आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सेंट्रल रीजन के अंदर में आता है और सेंट्रल रीजन में ये सब कोड है इसके लिए। फिर इसका जो है गैंगटोक, रांची, ये सब है, कोलकाता, मालदा, पोर्ट ब्लेयर, ये सब जो है ईस्टर्न रीजन का सेंटर है। फिर रीजनल डायरेक्टर KKR, ये इसमें जो है बेंगलोर, गुलबर्गा, मैंगलोर, मैसूर, ये सब आता है। फिर अल्मोरा है नॉर्थन रीजन के लिए, अल्मोरा, देहरादून, ये हरिद्वार, देहली, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, ये सब इसके अंदर में आता है। फॉर नॉर्थ ईस्ट अनियार, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ईटानगर, ये सब है। फिर साउथर्न रीजन के लिए गुंटूर, कुरनूल, ये सब है, तिरुपति। फिर वेस्टर्न रीजन के लिए अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सब देख सकते हैं आप। फिर MPR रीजन के लिए ये सब भोपाल है, ग्वालियर है, ये सब। NWR के लिए अनंतनाग, ये सब जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, शिमला, अमृतसर, ये सब है। नो चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटरटेन, मतलब बाद में आप इसके सेंटर को चेंज नहीं कर सकते एग्जामिनेशन सेंटर को। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन है, Tier 1, Tier 2 जो है डिस्क्रिप्टिव है, और Tier 3 जो है टाइपिंग टेस्ट है या स्किल टेस्ट है, 4th
for the post of data entry operator, postal assistant, sorting assistant, lower division clerk और court clerk. सबके लिए जो है tier 3 जो होगा वो typing test और skill test होगा. अब इसका जो computer based जो exam है objective type है, ये बताया कि जो टायर वन है, टायर वन जो है 7 जनवरी 2017 से लेकर 5 फरवरी 2017 के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा. इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन आएगा, जो कि हर क्वेश्चन दो दो मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 50 मार्क्स का रहेगा. फिर इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स. क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स. जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स. तो टोटल मिला के 75 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इसको करने के लिए, और ये 200 मार्क्स का एग्जाम होगा. और जो टाइमिंग है 2 बैच में पर डे होगा, और ये पहला 10 से 11:15 तक, और जो सेकेंड बैच होगा वो 4:15 से 5:30 शाम में PM. और अगर 3 बैच होता है पर डे तो 10 से 11:15, और फिर 1:15 से 2:30, और फिर 4:15 से 5:30 PM. ये सब होगा. तो फिर निगेटिव मार्किंग जो है इसमें होगा, निगेटिव मार्किंग में 0.50 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के लिए काट लिया जाएगा. तो ये निगेटिव मार्किंग का है. और जो सिलेबस है वो रिटर्न एग्जामिनेशन टायर वन के लिए जो सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस के लिए वर्बल, नॉन वर्बल टाइप का जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन रहेगा. सिम्बॉलिक, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, फिर है वेन डायग्राम है, सिंबॉलिक नंबर है, क्लासिफिकेशन है, वर्ड बिल्डिंग है, सोशल इंटेलिजेंस है, कोडिंग डिकोडिंग है, ये सब. फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, मिस स्पेल्ड वर्ड आइटम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब सारा चीज, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन द पैसेज, क्लोज पैसेज, कंप्रीहेंशन पैसेज, ये सब रहेगा इंग्लिश में. फिर है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, इसमें अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर. फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा का इक्वेशन रहेगा. ज्योमेट्री में एलिमेंट्री ज्योमेट्री, फिगर्स, फैक्ट, ट्रायंगल्स रहेगा, कंग्रुएंसी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सर्किल, कोर्स, टेंजेंट, एंगल, सब ये सब सारा चीज रहेगा. कॉमन टेंजेंट ऑफ टू और मोर मेंसुरेशन रहेगा. ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पेगुलर, पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्पेयर, हेमिस्फीयर, ये सारा चीज. ट्रिगोनोमेट्री रहेगा. फिर स्टैटिकल चार्ट रहेगा. जनरल अवेयरनेस में से भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा चीज से रहेगा. फिर है टायर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा. टायर टू में जो है 1 घंटे का समय दिया जाएगा, और ये पेन एंड पेपर मोड होगा. 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा समय दिया जाएगा, और पेन एंड पेपर मोड होगा. ये कंप्यूटर से नहीं होगा, ये पेन एंड पेपर मोड होगा. और जो पेपर होगा उसमें 200 से लेकर 250 वर्ड में आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना है, और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा टायर टू के लिए 33% होगा. और ये जो है द परफॉर्मेंस टायर टू बिटवीन जो इंक्लूड होगा प्रिपेयरिंग मेरिट मेरिट को प्रिपेयर करने में. द पेपर विल हैव रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आप लिख सकते हैं टायर टू को. फिर जो टायर थ्री होगा वो उसमें स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर स्किल टेस्ट में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए कंप्यूटर में. 1 घंटे में 8000 डिप्रेशन होना चाहिए, वर्ड्स टाइपिंग होना चाहिए. इस तरह से फिर सारे का मार्क्स जोड़कर फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा. ये टाइपिंग ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, LDC, कोर्ट क्लर्क, ये सारे तीनों टायर वन, टायर टू, ये 35 वर्ड्स प्रति मिनट या एवं 30 वर्ड प्रति मिनट, ये जो है रहेगा इसमें 35 वर्ड प्रति मिनट और 30 वर्ड प्रति मिनट, ये जो है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग एंड LDC और कोर्ट क्लर्क के लिए. कोर्ट क्लर्क के लिए रहेगा आपका 30 वर्ड, और जो ये पोस्टल असिस्टेंट के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट के लिए. तो इस तरह से करके हम लोग इस फॉर्म को देख आप लोग फिलअप कीजिए. जो फोटोग्राफ इसमें लगेगा 30 to 50 KB का,
और जो फोटो आईडी प्रूफ रहेगा, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ इशूड है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। और ये इस तरह से है, इसमें लिखा हुआ है कि कोई तरह का मतलब माल प्रैक्टिस, अनफेयर मीन्स एग्जामिनेशन और ये सब अगर आप करते हैं तो डिवेट कर दिया जाएंगे आप एग्जामिनेशन से। और जो प्रीफेंसेस है, और ये कोड है इसके लिए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए पी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए डी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें ये ग्रेड पे 1900 का है, इसके लिए ई है, लोअर डिवीजन क्लर्क में एल है और कोर्ट क्लर्क के लिए सी है। तो ये सारा चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं आपको। और अगर जहाँ दो स्टूडेंट का मार्क्स इक्वल हो जाता है, तो जिसका रिटेन एग्जामिनेशन फर्स्ट पार्ट में जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, या डेट ऑफ बर्थ के आधार से भी दिया जाएगा कि जो, और मतलब पहले इसको देखा जाएगा, अगर ये भी इक्वल रहता है तो जिसका जो ओल्डर कैंडिडेट रहेगा उसको पहले प्लेस किया जाएगा, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे भी देखा जाएगा, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। टायर 2 क्या है? डिस्क्रिप्टिव पेपर है। टायर 3 क्या है? टाइपिंग टेस्ट है। तीनों के आधार पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और कमीशन डिसीजन फाइनल होगा। कोर्ट ज्यूरिडिक्शन है, ये सब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए कि एग्जामिनेशन विल कंप्राइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेपर 1, रिटर्न एग्जाम, ये सब सारा चीज़ हम बता चुके हैं पहले ही। तो ये सब आप, क्लोजिंग डेट जो है इसका अभी 11 नवंबर कर दिया गया है, 11 नवंबर 5 बजे शाम तक ये क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए इससे पहले आप जल्दी से इसको अप्लाई कर लीजिए अगर आप, आपको अप्लाई करना है इसके लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।